नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहब का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सार्थक में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि APS विश्वविद्यालय यानी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के द्वारा जो BEd की परीक्षा फॉर्म प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भराया जा रहा था, जिसकी लास्ट डेट 19 क्या कहते हैं दोस्तों 10 अप्रैल थी, जिसको अब बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इसी के बारे में मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, एक APS यूनिवर्सिटी रीवा के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें संशोधित अधिसूचना यानी जो क्या कहते हैं पहले उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था कि जो परीक्षा फॉर्म थी अंतिम डेट थी वो 10 अप्रैल तक थी, जो प्राइवेट स्टूडेंट BEd कर रहे हैं उनके द्वारा उस यूनिवर्सिटी से अटैच अन्य विश्व अन्य कॉलेज से या उस विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। डेट था 10 अप्रैल, उसको अब गवर्नमेंट ऑफ MP के द्वारा एक आवेदन पत्र वल्लभ भाई उनके द्वारा एक आवेदन आदेश क्रमांक रिलीज किया गया था, जो कि ये है। इसके बेसिस पे 19/3/2020 को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जैसे कि डेट घोषित की गई थी परीक्षा आवेदन करने की, जो 2019-20 के नामांकन स्टूडेंट हैं उनके द्वारा उसको संशोधित कर दिया गया है, जो कि 10 अप्रैल थे लास्ट डेट, उसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2020 को कर दिया गया है कोरोना वायरस के देखते हुए। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं जिसमें अभी जो स्टूडेंट अभी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं परीक्षा फॉर्म, उनके लिए एक अच्छा टाइम है, स्टडी भी कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। और जो शर्तें रहेंगी वो वही शर्तें रहेंगी जो पुरानी थी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कुल सचिव का सिग्नेचर और डेट है, और नीचे में जो दोस्तों प्रतिलिपियां हैं समस्त अधिकारियों का प्रतिलिपि भी संलग्न उसमें लिखाया गया है, सूचनार्थ प्रेषित है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।